रायबरेली से इस समय की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए वकील दर्जनों की संख्या में वकीलों ने काटा जमकर हंगामा और किया प्रदर्शन। वकीलों ने तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि डलमू तहसील परिसर में जमकर वकीलों ने काटा हंगामा, तहसीलदार पर परसेंटेज सेट होने का भी लगाया आरोप। भैया ये जानते हैं अधिवक्ताओं ने क्या कहा। उनको कोई सुनता नहीं है। कौन सी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जैसे दाखिल खारिज की जो फाइलें हैं, हर फाइल का एक अलग रेट। आइए अंदर। अभी तक ऐसा नहीं था। अरे जिसकी जो इच्छा होती है, जो मुंह में आता है वो पैसा मांग लिया जाता है, चाहे वो बता दिया जाता है। अब उनसे पूछो साहब किसमें कितना हुआ, तो उन्होंने पेशकार साहब ने लिस्ट निकाली अपने मोबाइल में, उससे देख के बताते हैं। रेट कौन निर्धारित किए हुए हैं? तहसीलदार साहब उनका। अब भाई जो पेशकार कहेगा कि तहसीलदार साहब का है, तो पेशकार साहब लिखते हैं कि मिनजुमला नंबर देख कुछ बताएंगे। मिनजुमला नंबर है तो 25,000, हिबानामा है 12,000, कुल मिलाकर लूट घसूट। और जो है इसी तरह वसीयत की फाइलें तो हो ही नहीं, हमको लगता है। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? धारा 38 की फाइलें बहुत सारी पड़ी हैं पेंडिंग, जिनमें अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक मैडम यहाँ है तब तक हम लोग आज बैठे हैं, उसके बाद हम लोग अपना यहीं पे प्रतिदिन हमारा धरना होगा, चालू रहेगा, तो बैठेंगे। सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? तीन दिन का समय दे रहे हैं। अगर 3 दिन में हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे।